पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैंने 29 कुंदर की विधानसभा से नॉमिनेशन कराया है। सो मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और मुद्दे तो क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कराए थे, बीजेपी ने इस उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसमें कुंदर की विधानसभा भी हमारी उसके अंदर शामिल है। मेरा फोकस रहेगा कि सबसे पहले जो करप्शन जो है यहाँ पर उसको ख़त्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, उसे ख़त्म करूँ। और जो आज पूरे प्रदेश के अंदर कुंदर की भी इसके अंदर शामिल है, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है कि लोग जो नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं मिलने की वजह से बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन एएमयू से की थी और लॉ किया मैंने लॉ कॉलेज से, पहले मेरा सबसे ज़्यादा बुनियादी फोकस शिक्षा के ऊपर रहेगा, एजुकेशन के ऊपर रहेगा कि मैं एजुकेशन के लिए अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था, जाहिर सी बात है मालदार व्यक्ति होते हैं तो वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। वो आदमी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर जिसको इलाज सही नहीं मिल पाता और धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है हॉस्पिटल के नए बनवा सकूँ और उसके अलावा जहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं उनकी व्यवस्थाएँ ख़राब हैं उनको दुरुस्त करा सकूँ। इसके जिला बदल के आपको यहाँ पर भेजा गया है, उसमें बहुत बड़ा विरोध है। नहीं, ऐसा आप देखिए, आप कह रहे हैं कि विरोध है, लेकिन ऐसा का नहीं है। मैं तो ज़िला बदल के आया हूँ, लोग तो प्रदेश बदल बदल करके आ जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, आप बताइए, मुझे जवाब दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं, आकर के यूपी से चुनाव लड़े हैं, तो क्या वो प्रदेश आपको वो भी दिखना चाहिए, वो प्रदेश बदल करके लड़े हैं? पार्टी वाले ने सीट छोड़ी है, आपकी पार्टी वाला तो दूसरे का टिकट लिया है आपके खिलाफ। नहीं देखिए, टिकट लाना हर सबका अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, एक ब्रांड है। पूरा समाजवादी पार्टी से कोई एक दो एक आदमी अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, उसको नुकसान नहीं पहुंचने का है, बल्कि जो आदमी उससे अलग होगा वो खुद ख़त्म हो जाएंगे जो समाजवादी पार्टी से अलग होगा। और रही बात जहां तक विरोध की बात है, कहीं भी किसी भी सूरत हाल में एक तरफा चुनाव कहीं नहीं होता। मैंने अभी भी आपके सामने बात करी है और भी मीडिया अपने सम्मानित मीडिया कर्मियों से कहा है, तो यही कहा है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सेकंड नंबर पर कोई ना कोई तो रहेगा, 100% वोट मुझको नहीं मिलने का है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जब जीतें तो हमारा जीत का इतना बड़ा अंतर हो कि जिससे हमारे कुंदर की विधानसभा का नाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोशन हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।